मानसी बोरवाल ऑन द बिहाफ ऑफ जयत्री अकेडमी क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट सेफ एंड स्पेस। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बेटा काफ़ी चीज़ें बताई थी, बिग है स्मॉल, बिग स्मॉल के बारे में, टॉप बॉटम, लार्जर शॉर्टर सेम डिफरेंट थिकर थिनर। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ सारा। बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा, थिकर मीन्स मोटा, थिनर मीन्स पतला, हाइयर मीन्स ऊँचा, लोअर मीन्स नीचे, सेम मीन्स एग्जैक्ट जो चीज़ होती है, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा, मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम, नैरो मीन्स सीधा रास्ता होता है, वाइडर मीन्स चौड़ा, लेफ्ट हैंड मीन्स मतलब सीधा हाथ, राइट हैंड मीन्स लेफ्ट हैंड मीन्स सॉरी उल्टा हाथ, राइट हैंड मीन्स सीधा हाथ, दायां बायां। अब नेक्स्ट है आपका एबव एंड बिलो। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन देन राइट ए फॉर एबव, एबव मीन्स ज़्यादा, बी फॉर बिलो। वेटिंग मशीन है बेटा ये आपकी। अब इसका एक देखिए, एक क्या है प्लेट है जो वो क्या है नीचे साइड है, ब्लो है उसको हम, ब्लो मीन्स कम है उसमें, एवम मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा है वो ऊपर हो रखा है, नीचे है वो कम है, तो क्या हो गया वो उसका ब्लो मीन्स नीचे, एवम मीन्स ऊपर। अब ये देखो कैटरपिलर है, ये बुक के कहाँ बैठा है ऊपर, तो ये एवम हो गया बुक के, बुक कहाँ है ब्लो नीचे, तो ये एलिफेंट है, एलिफेंट कहाँ है बॉल के ऊपर है, तो बॉल कहाँ है नीचे है, तो ब्लो, एलिफेंट कहाँ है बॉल के ऊपर, तो एवम, सन है एवम है ऊपर है उसके, क्लाउड के, क्लाउड का है नीचे है, तो ब्लो। अब देखिए लेफ्ट साइड पैन इज एबव ब्लो, पैन है ये आपका कहाँ है नीचे है, लेफ्ट वाला मतलब लेफ्ट मीन्स उल्टा, ब्लो नीचे है, द राइट साइड पैन इज एबव ऊंचा है, तो राइट साइड वाला पैन कहाँ है ऊपर, एबव मीन्स ज़्यादा है, द वॉल इज एबव, बॉल के ऊपर कौन है एलिफेंट है, तो बॉल कहाँ है नीचे है, ब्लो, द एलिफेंट इज एबव ब्लो द वॉल, बॉल के ऊपर कौन है एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या हो गया एबव, द बुक्स आर एबव बिलो द बैकबोन, बैकबोन कहाँ है बुक बॉन कहाँ पे है, बुक्स के ऊपर है, तो क्या हो गया बताइए, बुक्स के ऊपर है तो एबव, बैकबोन इज एबव बिलो द बुक्स, बुक्स कहाँ है ब्लो नीचे है, और बैकबोन कहाँ है बुक्स के ऊपर है एबव है, ऐसे ही द सन इज एबव ब्लो द क्लाउड, सन कहाँ है ऊपर है एबव, द क्लाउड इज एबव ब्लो, ब्लो द नीचे है। अब है आपका अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन देन विद नियर एंड फॉर, दूर या पास, द येलो बोर्ड इज नियर एंड फॉर, येलो बोर्ड कहाँ है आपके पास है, तो क्या है नियर, द रेड बोर्ड नियर एंड फॉर, अब रेड बोर्ड आपको दूर दिख रही है ना, तो वो क्या है फॉर, फॉर मीन्स दूर होता है, फार है, द आइसलैंड इज नियर फार, और आइसलैंड भी बेटा फार है दूर है, द ट्रीज ऑन द आइसलैंड जो ट्री है आइसलैंड के ऊपर है वो आपके पास है या दूर है, फार है दूर है, द क्लाउड्स इन द स्काई आर नियर एंड फार, क्लाउड्स स्काई के कहाँ है पास में है या दूर है, फार है दूर है, राइट ट्रू एंड फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, द एलिफेंट इज फार, यस एलिफेंट क्या है दूर है, ट्रू है, द मंकी इज नियर, हाँ मंकी पास में बैठा है तो ट्रू है, मंकी देखिए आपके फ्रंट बैठा है ग्रास के पास, तो ये क्या है ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, द जैब्रा इज नियर द ट्री, अब जैब्रा बिल्कुल पास में है ट्री के, तो क्या है ट्रू है, द लॉयन इज नियर द बर्ड, रॉन्ग है फॉल्स है, देखिए लॉयन जैब्रा के पास है एंड जिराफ के पास है, बर्ड ट्री पे है तो ये फॉल्स है गलत है, द बर्ड इज नियर द टाइगर, रॉन्ग है, टाइगर के पास कौन है मंकी एंड जिराफ एंड जैब्रा, तो ये पास है या दूर है, तो फॉल्स है, द लॉयन इज फॉर फ्रॉम द मंकी, यस दूर है मंकी से, मंकी हाँ है लॉयन पीछे है तो लॉयन दूर है, तो ट्रू स्टेटमेंट है, द जिराफ इज फॉर फ्रॉम द टाइगर, फॉल्स, जिराफ और टाइगर कहाँ है दोनों पास पास है, तो ये फॉल्स है, द एलिफेंट इज नियर द जेब्रा, रॉन्ग है एलिफेंट दूर है जेब्रा पास है लॉयन की, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में क्या आपको बताना है, टिम है एनी है टॉम है सारा है, चार फ्रेंड है, जैसे आप लोग दोस्त होते हो फ्रेंडशिप तो वही है, टिम एनी टॉम सारा, टिम इज बिफोर आफ्टर एनी, टिम कहाँ है फ्रंट पे है, बिफोर मीन्स पहले है एनी के, तो बिफोर एनी इज बिफोर टॉम, टॉम के पहले कौन है एनी है, तो बिफोर
टॉम इज बिफोर आफ्टर सारा, तो टॉम के पहले कौन है? सारा पहले है कि बाद में है? सारा बाद में है तो टॉम पहले है, तो बिफोर टॉम इज आफ्टर एनी, टॉम के बाद कौन है? एनी। एनी इज बिफोर आफ्टर टिम, तो एनी कहाँ है? टिम के बाद में है एनी। सारा इज बिफोर टॉम, आफ्टर है बिफोर है, तो जो सारा है पहले आफ्टर बाद में है किसके? टॉम के।